मशीन के बारे में। ड्रिल मशीन क्या होती है? मैम वो मशीन जिससे होल प्रोड्यूस करते हैं। अ मशीन विच कैन यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अ होल। ठीक है, अगर हम लेथ मशीन की बात करते हैं तो लेथ मशीन पे देयर आर नंबर ऑफ ऑपरेशन विच कैन बी परफॉर्म, लेकिन अगर हम ड्रिल मशीन की बात करते हैं तो ड्रिल मशीन इज पर्टिकुलरली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अ होल। इट मे बी अ नंबर ऑफ होल, इट मे बी अ डिफरेंट डायमेंशन ऑफ होल, मतलब होल प्रोड्यूस करना है, चाहे उनकी क्वान्टिटी ज़्यादा हो, मतलब एक ही प्लेट में नंबर ऑफ होल्स करने हो, और इट मे बी एक ही प्लेट में अलग अलग डायमीटर्स के होल प्रोड्यूस करने हो, तो वो जो ऑपरेशन कहलाता है वो कहलाता है होल प्रोड्यूस करने वाला जो ऑपरेशन होता है। इट वॉज अ ड्रिल, एंड उस ड्रिल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए या होल प्रोड्यूस करने के लिए जो मशीन यूज़ की जाती है, इट वॉज अ ड्रिल मशीन। अगर ड्रिल मशीन को अगर हम बोलते हैं तो ये ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पर आपका होलिंग का काम ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आपको स्पेसिफिकली ड्रिल मशीन की ज़रूरत होती है, जिस पे आपको नंबर ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन में क्या करना है, सिर्फ होल्स प्रोड्यूस करना है, तो पर्टिकुलरली ड्रिल मशीन का ही यूज़ करते हैं। वहाँ पर लेथ मशीन उतनी अप्लीकेबल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर हम लेथ पे बात करते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन की, तो वहाँ पे छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर ही आप एक या दो होल प्रोड्यूस कर सकते हो। ज़्यादा लंबे प्लेट्स वगैरह हों, लंबी लंबे डायमेंशन के रेक्टेंगुलर साइज के प्लेट्स हों, या लंबी प्लेट्स बार्स हों, उनके ऊपर अगर होल प्रोड्यूस करना है तो उसको हम लेथ पर उतनी आसानी से ड्रिलिंग ऑपरेशन या होल प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो मशीन यूज़ की जाएगी वो बेसिकली क्या होती है, आपकी ड्रिल मशीन होती है। तो ये क्या हो जाता है, उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद अगर हम बात करते हैं तो पार्ट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपका नीचे एक बेस बना होता है जैसे पूरी की पूरी मशीन माउंट होती है। उस मशीन में ये जो वर्टिकल कॉलम लगा हुआ है, इस वर्टिकल कॉलम के ऊपर एक अरेंजमेंट लगा होता है। इस अरेंजमेंट में यहाँ पर देखोगे तो ये ड्रिल के लिए, होल्ड करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए लीवर लगा हुआ है। लीवर के अंदर यहाँ पर आप इसको होल्ड करने के लिए यूज़ करते हो। इसके अंदर डिफरेंट फीड मैकेनिज्म, जैसे हेड स्टॉक के अंदर फीड मैकेनिज्म होते थे, वैसे ही यहाँ पे ड्रिलिंग की हेड जो लगा हुआ है इसके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं स्पीड के, जो कि मोटर से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम यहाँ से ये वाली चीज़ नहीं भी बनाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो आपने सबसे पहले क्या बनाया, बेस बनाया, एक वर्टिकल कॉलम बनाया, और इसको बोलते हैं रैम बोलते हैं। जनरली हम क्या बोलते हैं, रैम। इस रैम के अंदर क्या लगा होता है, मोटर लगी होती है। इस मोटर के थ्रू क्या मिलता है, जो आपकी ड्रिल होता है उसको स्पीड मिलती है। अब यहाँ पे ड्रिल को होल्ड करने के लिए एक स्पिंडल लगा होता है जो हाई स्पीड से रोटेट होता है, उसके अंदर ड्रिल गियर कहलाता है। आपका कटिंग टूल क्या कहलाता है, ये आपका कटिंग टूल। अब यहाँ पे जिसका माइक ऑन ऑफ कर ले, और बीच में इन दोनों के बीच में बेस और जो रैम है उसके बीच में आपकी क्या लगी होती है, टेबल लगी होती है, जिसको आप ऊपर और नीचे की तरफ क्या कर सकते हो, मूव करा सकते हो। तो ये आपका मेन कंपोनेंट हो जाते हैं किसके, ड्रिल मशीन के। सबसे पहला बेस जिसके ऊपर होल मशीन माउंट होती है, दूसरा कॉलम एक वर्टिकल डिवाइस जिससे आप बेस को और रैम को कनेक्ट करते हो, रैम जिसमें आपके नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीड्स आपको मिलती हैं जिससे कि आपका स्पिंडल हाई स्पीड से रोटेट होता है और ड्रिलिंग ऑपरेशन आपका परफॉर्म होता है। फिर आपका स्पिंडल क्या होता है, जो कि आपके रैम से कनेक्टेड होता है, मोटर से कनेक्टेड होता है, जो हाई स्पीड से रोटेट होता है। ड्रिलिंग टूल क्या होता है, कटिंग टूल होता है, जिस पर नंबर ऑफ कटिंग एज होती हैं, जो कि ऑपरेशन परफॉर्म के लिए यूज़ की जाती हैं। बीच में आपके टेबल लगी होती है, इस टेबल के ऊपर वर्क पीस को होल्ड किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू दैट आपका वर्क पीस क्या रहता है, फिक्स रहता है, लेकिन ड्रिलिंग टूल आपका ऊपर और नीचे की तरफ फीड किया जाता है। तो ये क्या हो जाते हैं, इसके एक जनरल ड्रिल मशीन के पार्ट्स हो जाते हैं। कितने पार्ट्स बताए मैंने, कौन कौन से पार्ट्स बताए, 1 2 3 4 5 6 7 मेन पार्ट्स कितने हो गए आपके, 7 पार्ट्स हो गए। क्लास में है कि नहीं है? यस मैम। समझ में आया कितने पार्ट्स है, 7 मेन पार्ट्स लिख लिए सबने। यस मैम। अब अगर मैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करती हूँ तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, वर्किंग प्रिंसिपल का मतलब है कि किस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो होता है वो ये है, वर्किंग प्रिंसिपल की जो वर्क पीस होता है जिसके ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, वो आपका टेबल के ऊपर फिक्स रहता है। क्या रहता है वो, बेटा किसका माइक ऑन है, ये बार बार ऑन कर रहे हो, फिर गाने सुना रहे हो, पढ़ना है कि गाने सुनना है।
मैम देखना है कोई प्रिंस से आगे मेरे नाम से एंट्री ले रहा है बार बार। मैं पिछली क्लास में भी ली थी, मैम ने मुझे रिमूव कर दिया था। प्रिंस त्यागी मैम ये कोई और है मैम, तुम्हारा तो यूपी लिख के आ रहा, और कौन सा है प्रिंस त्यागी? ये वाला पता नहीं मैम कौन है ये। ठीक है, तो अब इसमें वर्किंग ऑपरेशन क्या हो जाएगा आपका? अ मशीन इन विच द वर्कपीस इज स्टेशनरी। वर्कपीस का रहेगा आपका स्टेशनरी रहेगा, किस पे माउंट रहेगा आपका? टेबल पे माउंट रहेगा। ठीक है, इस टेबल को आप ऊपर और नीचे दाएं और बाएं कर सकते हो। ठीक है, अब कटिंग टूल जो होता है वो आपका यहाँ पे कटिंग टूल लगा हुआ है स्पिंडल में, जिसके ऊपर नंबर ऑफ कटिंग एज बनी होती है, वो आपका हाई स्पीड से रोटेट होता है, और रोटेशन के बाद जब वो इसके कांटेक्ट में आता है सरफेस के, तो वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मेटल को रिमूव करता है और होल प्रोड्यूस करता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो गया? इन ड्रिल मशीन इन विच द वर्क पीस इज माउंटेड ऑन द टेबल स्टेशनरी रहता है, एंड द कटिंग टूल मल्टी पॉइंट कटिंग टूल इज फीड ऑन द वर्क पीस एंड द कटिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म, कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है सो दैट द होल इज प्रोड्यूस। होल क्या होता है? सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस हो जाता है। अगर हम इसको कंपेयर करें लेथ मशीन से, तो लेथ मशीन में क्या होता था आपका? वर्क पीस रोटेट होता था ना, और कटिंग टूल उसमें फीड किया जाता था परपेंडिकुलरली या हॉरिजॉन्टली, जैसा भी डायरेक्शन में आपको करना हो। लेकिन यहाँ पे वर्क पीस स्टेशनरी रहेगा और कटिंग टूल हाई स्पीड से क्या करता है? रोटेट होता है। तो ये ड्रिल मशीन का डिफरेंस है लेथ मशीन से। वर्किंग प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस हुआ कि ड्रिल मशीन में वर्क पीस स्टेशनरी रहता है, कटिंग टूल रोटेट होता है, जबकि लेथ मशीन में क्या होता है? वर्कपीस रोटेट होता है, जिसमें वर्कपीस रोटेट होता है और कटिंग टूल फीड किया जाता है। तो ये आ जाता है आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल का डायग्राम आप बना सकते हैं, सिंपल डायग्राम रहेगा। नीचे आपको वर्कपीस दिखाना पड़ेगा जिसके ऊपर होल प्रोड्यूस करना है, इसको स्टेशनरी बताएंगे, फिक्स्ड बताएंगे, कटिंग पीस को मूविंग बताएंगे, रोटेशन दिखाएंगे और उसको फीड करवाएंगे, तो होल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये किसका ऑपरेशन हो जाता है? या वर्किंग प्रिंसिपल हो जाता है आपका ड्रिल मशीन। फिर अगर हम ड्रिल मशीन के टाइप्स की बात करते हैं, तो आपको सिर्फ टाइप्स के नाम याद रखने हैं, सबका कंस्ट्रक्शन वर्किंग याद करने की जरूरत नहीं कि कितने टाइप्स की ड्रिल मशीन होती है। तो बेसिकली आपकी इतने टाइप की ड्रिल मशीन होती है। आपको जो डायग्राम बनाना होगा वो जनरल पर्पस ड्रिल मशीन का बनाना होगा। कभी भी कोई ड्रिल मशीन की अगर वर्किंग लिखने के लिए आती है तो किसी पर्टिकुलर टाइप का लिखने के लिए नहीं आते। सिर्फ आपको ये लिखा जाता है कि राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ ड्रिल मशीन या जनरल पार्ट्स ऑफ ड्रिल मशीन या जनरल पर्पस ड्रिल मशीन के डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आता है। लेकिन आपको कई बार क्लासिफिकेशन विद वर्किंग प्रिंसिपल पूछ लेता है, तो आपको टाइप्स पता होना जरूरी होते हैं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं टाइप्स? रेडियल होता है, पिलर होता है, बेंच, पोर्टेबल, गैंग, मल्टी स्पिंडल, ऑटोमेटिक और डीप होल ड्रिल मशीन। इतने टाइप्स की ड्रिल मशीन मार्केट में यूज की जाती हैं। इतना क्लियर है? इसको एज इट इज बस याद कर लेना, इसके ज्यादा डिस्क्रिप्शन में जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेशन परफॉर्म ऑन ड्रिल मशीन, हमने कल जब लेथ मशीन में ऑपरेशन बात की थी, तो ऑपरेशन कौन कौन से पढ़े थे हमने लेथ मशीन में? टेपर, थ्रेडिंग, नर्लिंग, होल, ड्रिलिंग, बोरिंग, ट्रीमिंग, सारे ऑपरेशंस पढ़े थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस हमने वहाँ पे पढ़े थे। लेकिन अगर हम ड्रिल मशीन की बात करते हैं, तो ड्रिल मशीन आर यूज फॉर पर्टिकुलर डूइंग द पर्टिकुलर टास्क। पर्टिकुलर टास्क कौन सा होता है? ड्रिलिंग या होल प्रोड्यूस करना। अगर होल प्रोड्यूस करना है, तो उसके बाद जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो एक सीक्वेंस में ही ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन होगा वो होल प्रोड्यूस करना ही होगा। उसके बाद आपका बोरिंग ऑपरेशन होता है, बोरिंग के बाद रीमिंग ऑपरेशन होता है, रीमिंग के बाद काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, टेपिंग और स्पॉट फेसिंग होता है। अब ये ऑपरेशन क्या होते हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम ड्रिलिंग ऑपरेशन की बात करते हैं, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन क्या होता है? सिंपल सा, किसी भी सरफेस में ड्रिलिंग टूल के अकॉर्डिंग जिस भी डायमीटर का आपने ड्रिल लिया है, उस डायमीटर का होल प्रोड्यूस करना वर्क सरफेस में, तो वो ऑपरेशन क्या कहलाता है आपका? ड्रिलिंग ऑपरेशन, जिसमें कि आपका वर्कपीस स्टेशनरी रहेगा, कटिंग टूल हाई स्पीड से रोटेट होकर जब वर्कपीस पे टकराता है तो मेटल रिमूव होकर कट होकर बाहर निकलता जाता है चिप्स के फॉर्म में, और उस जगह पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है? होल प्रोड्यूस हो जाता है। तो वो ऑपरेशन क्या कहलाता है आपका? ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग के बाद अगर मैं बात करती हूँ बोरिंग, पहले बोरिंग के ऑपरेशन की, तो बोरिंग ऑपरेशन क्या कहलाता है? बोरिंग हम पढ़ चुके हैं।
यस मैम। क्या होता है मैम? होल के ऊपर होल करना। होल के ऊपर होल करना नहीं बोलते उसको, इनलार्जिंग द ड्रिल होल। इनलार्जिंग द ड्रिल होल का मतलब क्या हो जाता है? इनलार्ज करना है, चाहे वो डेप्थ वाइज हो चाहे वो डायमीटर वाइज हो। बने हुए होल को इंक्रीज करना, चाहे उसका डायमीटर इंक्रीज करना हो चाहे उसकी डेप्थ इंक्रीज करनी हो, तो वो ऑपरेशन जिसमें हम बने हुए होल्स को, पहले से प्रोड्यूस किए हुए होल्स को या ड्रिलिंग किए हुए होल को इनलार्ज करते हैं, तो वो ऑपरेशन क्या कहलाता है? बोरिंग ऑपरेशन। बोरिंग के बाद हमारा जो तीसरा ऑपरेशन आता है सीक्वेंस में, वो आता है रीमिंग ऑपरेशन। रीमिंग ऑपरेशन क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है रीमिंग ऑपरेशन? क्या होता है मैम? जो ड्रिल करते होल बनता है तो मैम वो अंदर से खुदरा खुदरा होता है, तो उसको स्मूथ करने के लिए। वेरी गुड। कौन ने बोला ये? मैम ऋषभ। ऋषभ, वेरी गुड ऋषभ। बेसिकली जब भी आप होल प्रोड्यूस करते हो, चाहे वॉल में होल प्रोड्यूस करो या किसी सरफेस पे भी होल प्रोड्यूस करो, कटिंग हो रही है, कटिंग हो रही है मतलब मेटल रिमूव हो रहा है। मेटल रिमूव होगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो जिस जगह से, जिस सरफेस से मेटल रिमूव होता है वो आपकी रफ सरफेस हो जाती है। रफ सरफेस का मतलब जब अगर आप उसमें फिंगर डालोगे या जब भी होल बनेगा तो उसके अंदर कोई चीज़ जाएगी तो उसकी सरफेस को कट कर देगी। कट करेगी मतलब डैमेज करेगी। अगर उस डैमेज सरफेस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा होल प्रोड्यूस करने के बाद, तो जो भी चीज़ उसके अंदर फिक्स की जाएगी तो वो उसको काट देगी। हमें क्या चाहिए? उसकी लाइफ को इंक्रीज करना है। तो हम क्या करेंगे? जब भी होल प्रोड्यूस हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको स्मूथ सरफेस में, रफ सरफेस को जहाँ पे कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है उस सरफेस को स्मूथ सरफेस में कन्वर्ट करते हैं। स्मूथ सरफेस में कन्वर्ट करने के लिए हम एक रीमिंग टूल का यूज़ करते हैं जिसके ऊपर सैंड पेपर लगा होता है, और वो जब अंदर की तरफ, अंदर जिस जगह पे होल प्रोड्यूस होता है उसकी सरफेस पर घूमता है तो क्या होता है, अंदर वाले सरफेस को रब करता है। रब करता है तो जो अंदर की रफ सरफेस होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? आपकी स्मूथ सरफेस में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि अगर इस वर्क पीस में मैंने यहाँ पे होल प्रोड्यूस किया तो यहाँ से मेटल निकला, इस तरीके का ड्रिलिंग ऑपरेशन आपका परफॉर्म हुआ, तो मैं जब रीमिंग करूँगी तो सरफेस कैसी हो जाएगी? बिल्कुल स्ट्रेट और स्मूथ हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई भी शार्प एजेस आपको नहीं मिलेंगी। अब अगर मैं इसके अंदर कोई भी नट बोल्ट है, कोई भी चीज़ फिक्स करती हूँ तो उसकी लाइफ क्या होगी? इंक्रीज हो जाती है। तो ये ऑपरेशन क्या कहलाता है? आपका रीमिंग ऑपरेशन। ये तीनों ऑपरेशन हमने ड्रिलेट मशीन में भी पढ़े थे और ड्रिल मशीन में भी पढ़े हैं। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? अब हम बात करते हैं काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग का मतलब होता है, अब बोरिंग को समझ में आता है? बोरिंग क्या होता है? यस मैम। यस मैम, जो पानी निकाल जमीन से, वो बोरिंग नहीं कह रहे, बोरिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। अभी तक बोरिंग क्या पढ़ा आपने मैम? जो ड्रिल किए होल को इनलार्ज करना। ड्रिल किए होल को इनलार्ज करना। अब वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई, चाहे वो डायमीटर वाइज इनलार्जिंग हो चाहे वो लेंथ वाइज इनलार्जिंग हो, दोनों ही चीजों में हम उसको सिंपल बोरिंग ऑपरेशन कह रहे थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर उसके साथ में काउंटर बोरिंग ऑपरेशन लगा देती हूँ, तो काउंटर बोरिंग का मतलब हो जाता है कि किसी भी होल को, जैसे पहले आपने ये होल प्रोड्यूस किया होगा यहाँ पर जिसका डायमीटर ये वाला है, पहले आपने इस डायमीटर का होल प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब इस डायमीटर को इंक्रीज करना है लेकिन किसी पर्टिकुलर डेप्थ तक, जबकि बोरिंग ऑपरेशन में हम डेप्थ को भी मेंशन कर सकते हैं, डायमीटर को भी मेंशन कर सकते हैं, कोई एक चीज पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करें, डायमीटर को इंक्रीज करना है लेकिन किसी पर्टिकुलर डेप्थ तक या हाइट तक, तो उस ऑपरेशन को क्या कर रहे हैं हम? काउंटर बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं उसको? काउंटर। किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक डायमीटर को इंक्रीज करना, वो ऑपरेशन क्या कहलाता है आपका? काउंटर बोरिंग ऑपरेशन। क्या कहलाता है? काउंटर मतलब क्या हुआ कि पहले आपने एक वर्क पीस लिया जिसमें आपने पूरा डेप्थ तक होल प्रोड्यूस कर दिया, इतना होल प्रोड्यूस किया। अब मैं चाहती हूँ कि जैसे इसकी लेंथ थी 10 mm की, ठीक है, 10 mm तक मैंने डायमीटर क्या था बनाया, 5 लिया मैंने 10 का ही। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि 5 mm तक की जो डेप्थ है वहाँ पर जो डायमीटर हो वो हो जाए 20 mm का, तो क्या करूँगी मैं? सिर्फ 5 mm तक की डेप्थ के डायमीटर को क्या करूँगी? इंक्रीज करूँगी। तो ये डायमीटर कितना हो गया आपका ऊपर वाला?
20 का और नीचे वाला कितना हो गया आपका 10 का, तो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक डायमीटर को इंक्रीज करना है, ड्रिल होल के डायमीटर को किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक इंक्रीज करने का जो ऑपरेशन होता है वो क्या कहलाता है, काउंटर बोरिंग ऑपरेशन। उसमें आपको डेप्थ स्पेसिफाई होती है। डिफरेंस क्लियर हुआ? यस मैम। काउंटर बोरिंग समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, काउंटर टेपिंग की। काउंटर टेपिंग का मतलब क्या होता है, सॉरी काउंटर सिंकिंग का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पर हम चीजें वही कर रहे हैं, बोरिंग ऑपरेशन ही कर रहे हैं। काउंटर का मतलब तो समझ में आ गया ना, काउंटर का मतलब किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक। अब मैंने पहले ये होल प्रोड्यूस कर लिया किसी सरफेस पे, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसकी ऊपर वाली सरफेस कैसी हो, कॉनिकल हो, कैसी हो, इस तरीके का कॉनिकल शेप हो, मतलब ऊपर से ये चौड़ी हो इस तरीके से। अब ये बनाने का भी रीज़न होता है, क्यों, क्या रीज़न होगा। अब जैसे मैंने एक प्लेट ली थी, उसमें मैंने होल प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब इसके अंदर कोई चीज़ मैंने फिक्स कर दी, चाहे नट बोल्ट फिक्स कर दे, नट बोल्ट में तो ऊपर ग्रिप होता है तो वो ईजिली मूव कर जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो स्मूथ सरफेस पे ही फिक्स आउट होती हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए उनकी सरफेस को थोड़ा सा इंक्लाइन करना ज़रूरी होता है, और ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कास्टिंग प्रोसेस में। कास्टिंग प्रोसेस में अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, वो आगे चल के पढ़ाया जाएगा कि कास्टिंग करना क्या होता है। तो उसमें जब हम यहाँ पर कोई चीज़ फिक्स करते हैं तो उसको, अब यहाँ पर मैंने कोई चीज़ डाल दी, उसको बाहर निकालना है, तो अगर डायमीटर बराबर होगा तो उस चीज़ को ग्रिप कैसे करूँगी और कैसे बाहर निकालूंगी, ये चीज़ इसके अंदर फिक्स है। अब इसको ग्रिप को बाहर निकालने के लिए, किसी टूल को बाहर निकालने के लिए, इसकी सरफेस को कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा इंक्लाइन होना चाहिए ताकि मैं ऊपर से यहाँ से इसको ग्रिप कर सकूँ और ईजिली इसको खींच के ऊपर की तरफ निकाल सकें। तो ऊपर वाले डायमीटर को थोड़ा सा टेपरनेस प्रोवाइड करना फॉर द ग्रिपिंग ऑफ सरफेस, तो उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं हम, काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन। क्या कहते हैं, काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन। समझ में आया क्या बोला मैंने? जैसे कि दो प्लेटें रखी है मेरे पास ये, ठीक है, मैंने होल किए इन दोनों के बीच में और एक रॉड डाल दी इस तरीके से, दोनों प्लेटें एक रॉड से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है ये रॉड खराब हो गई है, अब खराब हो गई तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा, दूसरी रॉड डालनी पड़ेगी दोनों के बीच में, होल में। यस। अब इस, अगर मैंने यहाँ पर होल डायमीटर को इसी तरीके से स्ट्रेट रखा तो मैं अब इस रॉड को बाहर कैसे निकालूंगी, पकड़ में आएगी रॉड, क्योंकि ऊपर से भी फ्लैट है, नीचे से भी फ्लैट है, कोई सरफेस दिख रही है जिससे आप ग्रिप करके इस रॉड को बाहर निकाल सकते हो, होल से नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस कंडीशन में जो ऊपर वाली सरफेस होती है उसको थोड़ा सा इस तरीके से इंक्लाइन कर देते हैं, इतना इंक्लिनेशन एंगल दिख रहा है थोड़ा सा। Yes, अब क्या होगा, जब रॉड को निकालना होगा तो इतना चौड़ा है ऊपर से थोड़ा सा, तो यहाँ से मैं किसी भी टूल के थ्रू इसको ग्रिप कर सकती हूँ, पकड़ सकती हूँ। Yes, और इसको बाहर की तरफ रिमूव कर सकती हूँ, है ना। Yes, ma'am. समझ में ही है। तो ये जो छोटा सा इंक्लिनेशन एंगल प्रोवाइड किया जा रहा है सरफेस के ऊपर सरफेस पर, सिर्फ ग्रिपिंग के लिए, कि दो चीजों को आपने ज्वाइंट तो कर दिया लेकिन चीजों को, अगर मैटिंग चीजों को बाहर निकालना है जैसे ज्वाइंट किया है, तो उसके लिए जो ग्रिपिंग सरफेस प्रोवाइड करने के लिए जो थोड़ा सा इंक्लिनेशन एंगल प्रोवाइड किया जाता है, तो हमने क्या किया, काउंटर किया। काउंटर का मतलब थोड़ी डिस्टेंस तक इसके डायमीटर को इंक्लाइन कर दिया, वो ऑपरेशन कहलाता है आपका काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन। आया समझ में, कॉनिकल शेप प्रोवाइड करना एट द अपर सरफेस ऑफ अ वर्क पीस, ये कॉनिकल शेप ही तो प्रोवाइड करो ऐसा, फिर ऐसा, और बाद में आपका स्ट्रेट लाइन आ गया, तो ये क्या हो गया, आपका शेप कैसा हो गया, कॉनिकल शेप। ये प्रोवाइड करना कहलाता है आपका काउंटर सिंकिंग, और ये बेसिकली चीजों को रिमूव करने के लिए और फीड करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। आया समझ में? Yes, ma'am. ठीक है। फिर आता है आपका टेपिंग। टेपिंग का टूल दिख रहा है कैसा हो रहा है, टेपिंग या थ्रेडिंग ऑपरेशन। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, जैसा सरफेस के ऊपर वर्कपीस के ऊपर इंप्रेशन बना हुआ है, ये कटिंग टूल है आपका, जैसे ही थ्रेड्स अगर कटिंग टूल में बनी हुई हैं वैसा ही अगर वर्कपीस के अंदर इसको फीड किया जाएगा तो वैसे ही शेप क्या हो जाएगी आपके वर्कपीस में बन जाएंगी। तो वो प्रोसेस जिसमें जैसा
कटिंग थ्रेड, बेसिकली टेपिंग का मतलब यहाँ पे थ्रेडिंग ऑपरेशन हो जाता है, थ्रेड जनरेट करना, इंटरनल थ्रेड्स अगर बनाने हैं तो जैसी थ्रेड्स यहाँ पे बनी हुई, जैसे शेप इसमें बना हुआ है कटिंग टूल में, वैसा का वैसा शेप आपका किस में बन जाता है, वर्क पीस में बन जाता है, वो ऑपरेशन क्या कहलाता है आपका, टेपिंग ऑपरेशन। और ये टेपिंग ऑपरेशन या थ्रेडिंग ऑपरेशन इंटरनली होता है, एक्सटर्नल के लिए यूज़ नहीं करते। किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? सिर्फ इंटरनली, क्योंकि जो आपका ड्रिल मशीन है वो एक्सटर्नली टूल को यूज़ नहीं कर सकता। तो टेपिंग या थ्रेडिंग ऑपरेशन क्या होता है कि किसी सरफेस पे इंटरनल थ्रेड्स बनाने की जो प्रोसेस होती है वो ऑपरेशन क्या कहलाता है आपका, टेपिंग ऑपरेशन। इतना समझ में आया? यस मैम। कितने ऑपरेशंस हुए? अभी समझ में आ गया कि लेथ में आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, जबकि ड्रिल में आपके क्या होते हैं, लिमिटेड ऑपरेशन है। कितने ऑपरेशन पढ़े हमने? ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर टेपिंग, और ये आपका लास्ट ऑपरेशन टेपिंग या इंटरनल थ्रेडिंग। सिर्फ 6 ऑपरेशंस होते हैं जो आपको याद रखने हैं। मैम, अगर लेथ मशीन का वर्किंग आता है तो आपको सिर्फ डिफरेंस क्या करना है कि वर्क पीस पे रोटेशन का डायग्राम लगा, रोटेशन का सिंबल लगाना है, और वर्क पीस को कटिंग टूल को क्या बताना रहेगा, स्टेशनरी। ऑपरेशन परफॉर्म सेम होगा, सेम थ्योरी आएगी कि इसमें क्या हो रहा है, कटिंग ऑपरेशन हो रहा है, ड्रिल होल प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा कि कौन सी चीज मूव हो रही है। बात समझ में आ रही है? यस मैम। यस मैम, समझ में आ गया इतना ड्रिल मशीन के बारे में? यस मैम। अब आते हैं हम प्रिकॉशंस फॉर ड्रिल मशीन। प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर कटिंग टूल हाई स्पीड से रोटेट होता है तो आपको प्रॉपर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है, हीट के लिए क्लीनिंग करना ज़रूरी है, चिप्स को ब्रश से साफ करना ज़रूरी होता है, जिस टेबल पे आपका वर्क पीस को होल्ड किया जाता है प्रॉपर ग्रूविंग दी जाती है ताकि वर्क पीस एक जगह स्टेशनरी रहे, उसको प्रॉपर फिटिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि वो एक जगह से हिले नहीं, इसके लिए आपको वहाँ पे प्रॉपर ग्रूव या इसको स्लॉट्स प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है, आपको रस्टिंग से बचाने के लिए प्रॉपर ऑयलिंग करना ज़रूरी होता है। ये प्रिकॉशंस होती हैं ड्रिल मशीन के, सेम प्रिकॉशंस आपके लेथ मशीन में के लिए भी यूज़ कर लोगे, क्योंकि मशीनिंग पार्ट्स हैं तो मशीनिंग में सारी चीज़ें आपका मशीन क्या कर रही है, जैसे ये वर्किंग कर रही है वैसे वो वर्किंग कर रही है, तो जो प्रिकॉशंस लेथ मशीन के ड्रिल मशीन के लिए होंगे वही प्रिकॉशंस किसके लिए होंगे, आपके लेथ मशीन के लिए होंगे। उसमें भी आपको प्रॉपर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है, प्रॉपर कूलिंग प्रोवाइड करना ज़रूरी है, चिप्स जो कटिंग होने के बाद चिप्स जनरेट होते हैं उसको बार बार रिमूव करना ज़रूरी है, वर्क पीस को प्रॉपर होल्डिंग करवाना ज़रूरी है, मेंटेनेंस करना ज़रूरी है मशीन का, प्रॉपर लुब्रिकेशन दे के कटिंग टूल को जहाँ पे होल्ड करा रहे हो उसको प्रॉपर स्लॉट में फिक्स करना ज़रूरी है। तो सेम प्रिकॉशंस किसके लिए यूज़ हो जाते हैं, लेथ के लिए, सेम प्रिकॉशन यूज़ हो जाते हैं ड्रिल के लिए। बात समझ में आ गई? सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या रखोगे दोनों चीज़ों के लिए, कि जब भी आप किसी भी चीज़ वर्क पीस को चाहे कटिंग टूल को जब भी होल्ड कराते हो तो उसको प्रॉपर बैलेंस करके होल्ड कराना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ थोड़ा सा टच करके उसको स्पिंडल में रोप फिक्स कर दिया और आपने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। जब स्पिंडल हाई स्पीड से रोटेट होता है तो जो कटिंग टूल होता है अगर प्रॉपर फिक्सिंग नहीं होगी तो निकल कर बाहर गिर जाएगा, और वो गिरेगा कैसे, स्पीडली घूमेगा और किसी से जाकर टकराएगा, तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो दोनों, चाहे वर्क पीस हो चाहे आपका कटिंग टूल हो, दोनों को प्रॉपर होल्डिंग करना या दोनों की प्रॉपर होल्डिंग प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपर तरीके से उसको होल्ड करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज जब भी वो स्पीड से रोटेट होंगे तो वो आपके बैलेंस ना होने की वजह से रिमूव हो जाएंगे वर्क पीस से, तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है, आपको भी चोट लग सकती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरी? Yes, ma'am. जैसे कि आप एग्जांपल ड्रिल मशीन का देख सकते हो कि जब ड्रिल मशीन घूमती है, ड्रिलिंग ड्रिल घूमता है, कितनी स्पीड से घूमता है, अगर वो जिसमें क्लिप में फिक्स नहीं होगा तो कितनी तेज बाहर जाएगा, किस चीज पे टकराएगा, उसको कितना नुकसान पहुंचेगा। सेम चीज आपके लेथ मशीन पे भी होगी, सेम चीज आपके ड्रिल मशीन पे भी होती है। फिर क्योंकि ये दोनों मशीनें कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रही, कटिंग ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, रॉ मटेरियल कट करके डिफरेंट शेप प्रोवाइड करती हैं, तो कटिंग करने का मतलब है चिप्स के फॉर्म में मेटल रिमूव हो रहा है तो उसको प्रॉपर क्लीनिंग करना ज़रूरी है, और चिप्स को कभी भी हाथ से साफ नहीं कर सकते क्योंकि एक तो वो शार्प एजेस होती हैं
और ऊपर से वो जब वो कट होके बाहर आती है, क्योंकि आपका मेटल कट करता है, हीट जनरेट होती है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो गर्म चिप्स होती है, तो आप उसको क्लीनिंग के लिए कभी भी हाथ का यूज नहीं कर सकते हो, तो आपको प्रॉपर ब्रश का यूज करके चिप्स को क्लीन करना जरूरी होता है। जब मशीन एक बार चालू हो जाती है तो फिर उसमें बीच में कोई एडजस्टमेंट मत करो। जब मशीन पहले आपकी स्टेशनरी है, आपने स्टार्ट नहीं किया, आपको जो भी होल्डिंग करना है, जहाँ पे उसको ले जाना है वो करो। एक बार ऑपरेशन करने के बाद आप सोचो कि चलती मशीन में मैं सारे टूल को चेंज कर दूँ, इसको चेंज कर दूँ, वो चीज़ें नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर आपका और क्या सेफ्टी रखना चाहिए कि प्रॉपर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस प्रोवाइड करना चाहिए, जो टूल आपका सिलेक्टिव टूल्स का ही यूज़ करना चाहिए। जैसे कि लेथ मशीन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही यूज़ किए जाते हैं, जबकि ड्रिल मशीन में कैसा यूज़ किया जाता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज़ किए जाते हैं। तो जो मशीन जिस टूल के लिए बनाई गई है, जिस मशीन के लिए जो टूल्स बनाए गए हैं, उन्हीं का यूज़ करना है। आप इस तरफ उस तरफ मतलब एक्सचेंज ना करो। एक्सचेंज करने का मतलब है कि आप अगर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से ड्रिल मशीन पे काम करने की कोशिश करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आपका टूल ही टूटेगा, आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो जाएगा। तो जो टूल जिस मशीन के लिए बनाए गए हैं उस मशीन पर उसको यूज करना चाहिए। जो भी ऑपरेटर है उसको लूज कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि मशीन है, बेल्ट है, पुली है, हीट जनरेट हो रही है, हवा आती है, तो आपका मशीन में कपड़ा फंस सकता है, फंसेगा तो आपका मशीन में आप भी खिंचोगे। इसलिए हमेशा जब भी जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको एक प्रॉपर यूनिफॉर्म दी जाती है, उनको एप्रॉन पहनाया जाता है, ताकि कोई भी लूज क्लोथ नहीं हो और जो मशीन में फंस सके, ठीक है। फिर आपका आईज को प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि चिप्स निकल रही हैं, चिप्स के फॉर्म में जैसे ड्रिल करते हो तो अंदर से रेत निकलती है ना, दीवार में होल करते हो तो उससे आंखों में लगता है कि नहीं लगता, तो ऐसे ही अगर मशीन पर काम कर रहे हो, चिप्स निकल रही हैं हाई स्पीड रोटेशन के बाद, तो कई बार वो चिप्स उछलती भी बहुत तेज तेज है, तो उनसे प्रिकॉशन के लिए आईज पर हमेशा ग्लासेस का पहनना, जब भी आप मशीनिंग ऑपरेशन करो तो ग्लास का पहनना जरूरी होता है। इतनी चीज़ों को आपको प्रिकॉशंस लेके चलना रहता है, किसमें, दोनों ही मशीनों में। अब ड्रिल मशीन के लिए लिखोगे तो ड्रिलिंग टूल का यूज लिख दोगे, अगर लेथ के लिए लिखोगे तो लेथ को उसमें स्पेसिफाई कर दोगे, लेकिन प्रिकॉशंस यही होंगे। इतना समझ में आया? यस मैम। इतनी ही चीजें आपको पढ़नी है, किसके बारे में? ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन के बारे में क्या क्या पढ़ना है, ड्रिल के बारे में।